जिन्हें ग्रीनरी अच्छी लगती है या अपने आसपास हरे भरे पेड़ पौधे देखना अच्छा लगता है, वो पौधे लगाने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। या फिर अगर आपके घर में भी किसी खाली जगह में धूप कम आती है, तो ऐसे में बहुत से पौधे हैं जिन्हें आप छाया वाली जगह पर रख सकते हैं। मॉर्निंग की 1 घंटे की धूप या ब्राइट लाइट भी इन पौधों की ग्रोथ के लिए सफिशेंट होती है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिन्हें आप घर के किसी खाली जगह, इनडोर, बालकनी, इवन सीढ़ियों पर भी लगा सकते हैं, और ये पौधे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इंडोर प्लांट के रूप में मुझे लगता है कि पाम जो है वो सबका फेवरेट प्लांट होता है, जो घर में आपके ग्रीनरी भी ऐड करता है, और उसके साथ साथ ये पौधे डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी लगाए जाते हैं। किसी भी सॉफ्ट कॉर्नर में खाली जगह को ग्रीनरी अगर ऐड करनी है तो पाम जो होता है वो बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है। सेरेमिक पॉट में लगाए हुए ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ग्रीनरी भी काफ़ी ऐड करते हैं ये आपके घर में। और ये पौधे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं जो आपके घर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खूब मल्टीप्लाई होते हैं और आप इनको डिवाइड करके इनके बहुत से पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पाम जो है वो आप इनडोर लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला पौधा होता है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप छायादार जगह में लगा सकते हैं, और ये पौधे ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं, छोटे गमले में आसानी से चलते रहते हैं, ये है फाइलोडेंड्रन सीलम का प्लांट। ये भी बेहद ही खूबसूरत वेराइटी है, और अगर आपको ये पौधा नर्सरी में कहीं दिख जाए तो आप इस पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इन पौधों को लगाने के लिए आप इन्हें वेल्ड्रेन मिट्टी बनाकर इन पौधों को लगा सकते हैं, और 6 से 8 इंच का पॉट जो है इन पौधों के लिए सफिशेंट होता है। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं, थ्रू कटिंग से या फिर सेपरेट करके आप इनके नए नए पौधे फ्री में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप घर के अंदर छाया वाली जगह पर लगा सकते हैं, वो है क्लाथिया का प्लांट। इसकी बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ आपको आपकी लोकल नर्सरी में आसानी से 150-200 रुपये तक मिल जाएगी। मैंने भी इसका एक छोटा सा पौधा लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, 4 इंच के पॉट में लगा हुआ ये पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। इन पौधों को हर चीज़ राइट अमाउंट में चाहिए, लाइट हो गई या फिर वाटरिंग हो गई, हर चीज़ इनको राइट अमाउंट में चाहिए। और गर्मियों की तेज़ टेम्परेचर जो है वो इन पौधों की जो लीव्स होती है उनको डैमेज कर देती है, तो इसे वहाँ पर रखें जहाँ दूसरे पौधों की ह्यूमिडिटी मिल सके, क्योंकि इन पौधों की ह्यूमिडिटी बहुत पसंद रहती है। ऐसी कंडीशन में इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स, मनी प्लांट भी आप इंडोर लगा सकते हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट होने के अलावा ये पौधे सस्ते में आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे, स्पेशली जो इसकी ग्रीन वाली वेराइटी होती है, एंड अदर जो इसकी वेराइटी होती है फ्रेंड्स वो भी बेहद ही खूबसूरत होती है। तो इन पौधों को आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट के अलावा आप इन पौधों को मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। मॉस्टिक के साथ लगाने से इन पौधों की लीव्स का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहें, उससे इन पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और कटिंग से ये पौधे आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप छायादार जगह में लगा सकते हैं वो है मॉन्स्टेरा का प्लांट। जैसे कि स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत भी होती है और बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती है। पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं, और अगर आप इस पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो इस पौधे की लीव्स का साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। कंटेनर के अलावा आप इन पौधों को मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। ये पौधे जो होते हैं बेल की तरह जो है वो ग्रो होते हैं, तो ये भी बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी केयर बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से मनी प्लांट की होती है, ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद रहती है, तो उसके चलते आप मिस्टिंग एंड शॉवरिंग आप इन पौधों को करते रहें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है लेडी पाम का प्लांट, और ये पौधे भी आपके कम धूप वाली जगह पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर रखते हैं, तो उन्हें कोशिश करें, अगर आप उनमें सेरेमिक पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और कोकोपीट का प्रयोग जो है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोकोपीट जो है वो काफ़ी टाइम तक वाटर होल्ड करके रहती है और इंडोर प्लांट्स को बड़ी ज़्यादा वाटरिंग जो है पसंद नहीं होती, या उनके पॉट में पानी अगर रुका रह जाए तो पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो लेडी पाम प्लांट को भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग की धूप में या फिर आप इसे विंडो साइड एरिया जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर आप डेफनबेकिया प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। ये पौधे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं, और इस पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत ही अलग तरह का वेरिएशन ये पौधे लिए रहते हैं। ग्रीन और वेरीगेटेड का कॉम्बिनेशन इस पौधे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, और ये इस पौधे के जो पत्ते होते हैं
है वो देखने में ऐसे लगता है कि किसी आर्टिफिशियल प्लांट के ये लीव्स होते हैं, बट इस ये लाइव प्लांट होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पौधे थोड़े से पॉइजनस रहते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर पेट्स रखे हैं तो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। कटिंग से ये पौधे ईजिली ग्रो हो जाते हैं, इस टाइम पर आप इनको कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं। और इसके अलावा ओवर वाटरिंग से पौधे बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। कम धूप वाली जगह पर आप फाइलोडेंड्रॉन सनाडू प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। ये पौधे भी इंडोर काफ़ी खूबसूरती और ग्रीनरी ऐड करते हैं। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है फ्रेंड्स, और विंटर में ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। बट इस पौधे को खूबसूरत बनाती हैं इसकी बिग साइज़ की लीव्स। और इसे जब भी लगाएं तो आप कोशिश करें, अगर आपका पौधा छोटा है तो उसे छोटे पॉट में लगाएं, अगर बहुत बड़ा है तो आप उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये पौधे मॉस्ट के साथ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती ऐड करते हैं। कटिंग से या फिर इनको डिवाइड करके आप इनके बहुत से पौधे जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेल्ड्रेन मिट्टी में बनाकर लगाएं और टाइम टू टाइम आप इनमें फर्टिलाइजर ऐड करते जाएं, तो जिससे इनकी पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा का प्लांट। और फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की हमारी जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं। और आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है ऐसे कलरफुल प्लांट्स का, जिन्हें आप हाउस प्लांट में रख सकते हैं जहाँ कम धूप आती है। इवन कि लो लाइट एरिया में भी ये पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं, हमारे घर की आबोहवा को भी ये शुद्ध करते हैं। और इस पौधे को जब भी लगाएं तो कोशिश करें वेल्ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और सेरेमिक पॉट में तो इस पौधे की खूबसूरती को और भी चार चांद लग जाते हैं। बट हमारे जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, उनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज भी करते जाएं, बट वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखें। जब भी इनकी मिट्टी ड्राई हो तभी आप इन पौधों को वाटर ऑफर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसे हम इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो है स्नेक प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, स्पेशली जो डवॉर वाली वेराइटी होती है वो तो किसी भी छोटे से पॉट में आप किसी भी साइड टेबल पर रख दीजिए ये पौधे, ये लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाले बहुत ही बेस्ट प्लांट है। फ्रेंड्स, ये नासा रिकमेंडेड नंबर वन एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं, जो हमारे घर के टॉक्सिक को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे घर की वातावरण को शुद्ध करते हैं। इनको डिवाइड करके आप इनको बहुत सारे इनके प्लांट भी बना सकते हैं। कटिंग से और इवन के सिंगल लीव से भी ये पौधे जो है प्रोपोगेट हो जाते हैं, इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फीडल लीफ का प्लांट, और ये पौधा भी आप अपने इंडोर हाउस प्लांट के रूप में लगा सकते हैं। काफी खूबसूरत ये प्लांट होता है फ्रेंड्स, और मैंने इसका एक छोटा सा पौधा 300 रुपए तक लाकर अपने घर में ऐड करा था। बट ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से इस पौधे को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, इवन की इनको सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। और ये पौधे की केयर भी सेम होती है जिस तरह से हमारी मनी प्लांट की होती है। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग इन पौधों को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहती है। मिट्टी इनकी हल्की मॉइस्ट रखें और लीव्स इनकी जो है वो वॉश करते रहें। और ये पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर अपने हाउस प्लांट के रूप में लगाएं। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट के रूप में आप रबर प्लांट को ज़रूर ऐड करें, और ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, और जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली कॉमन वेराइटी है, इसमें अब वेरीगेटेड वेराइटी भी आने लगी है। तो ये पौधे ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और समर में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। और ये लो लाइट एरिया में ट्यूबलाइट की रोशनी में ग्रो होने वाले बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, और इनको इस टाइम पर आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। कटिंग से एयर लेयरिंग से इनके पौधे जो हैं वो रेडी किए जा सकते हैं, और इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इनको पॉट में लगाएं। और फ्रेंड्स, इनकी लीव्स को टाइम टू टाइम आप नीट एंड क्लीन रखें, मिस्टिंग करते रहें और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, बट सोगी जो है वो बिल्कुल भी मत होने दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है क्रोटन का प्लांट, और क्रोटन भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर कलरफुल प्लांट होता है, जिसे आप ज़रूर अपने हाउस प्लांट के रूप में शामिल करें। इसकी रंग बिरंगी वेराइटीज़ आपको कभी भी फूलों की कमी नहीं होने देगी, और रेनी सीजन में आप इनको कटिंग से ग्रो करके भी नए नए पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसकी जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हर एक जो पौधे होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, इनमें लीव्स का शेप भी अलग रहता है और काफ़ी खूबसूरत कलर लिए रहते हैं। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, और जब भी इन पौधों को लगाएं आप इनको वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाएं और मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखें, सोगी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये पौधे जो हैं वो रूट रॉट कर जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनमें वाइट स्केल डिजीज़ लगती है, उसका ज़रूर ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो ज़रूर करते रहें।
फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट के रूप में आप लकी बैम्बो प्लांट को ज़रूर शामिल करें और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये बहुत ही शुभ पौधे माने जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये पौधे बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि लाने वाले पौधे होते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जिनको आप मट्टी और पानी दोनों ही जगह इसको ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं, स्पेशली छोटे छोटे पॉट में आप इनको लगा कर किसी भी साइड टेबल पर भी रख सकते हैं और काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी भी लाते हैं। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट के रूप में आप ड्रेसिना प्लांट की वेराइटीज़ को भी शामिल कर सकते हैं। इसकी जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं वो सारी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होती हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं जो कटिंग से इजली ग्रो हो जाते हैं। बस मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें या फिर जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो उस जगह पर इन पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इन पौधों को पसंद नहीं है, तेज़ धूप में इन पौधों की लीव्स जो होती है वो बर्न हो जाती हैं। और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग पौधों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जहाँ रेनी सीजन में इनकी फास्ट ग्रोथ होती है या ह्यूमिडिटी इन पौधों को मिलती रहे तो ये पौधों की ग्रीनरी जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये पौधे भी आप ज़रूर अपने इंडोर प्लांट के रूप में शामिल करें। फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट भी आप अपने इंडोर गार्डन में लगा सकते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो या फिर मॉर्निंग की धूप में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ होती हैं और काफ़ी खूबसूरत रंग ये आपके गार्डन में भर देते हैं। बट ये पौधा थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधे जो है वो रूट रॉट कर जाते हैं या फिर बड़ी ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर में भी अगर रख देते हैं तब भी ये पौधे की लीव्स जो फेडेड हो जाती हैं, जो देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। कटिंग से इन पौधों को इजली प्रोपोगेट भी किया जा सकता है, तो ये पौधे भी आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सिंगोनियम का प्लांट, और सिंगोनियम भी बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी खूबसूरत वेराइटीज़ होती है। ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है, जिसे मैंने अपने सीढ़ियों वाली जगह पर रखा हुआ है। एंड जो अदर वेराइटीज़ हैं ये इसकी पिंक एंड ड्वार्फ सिंगोनियम है, जो छोटे छोटे पॉट में हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सालों साल चलते रहेंगे। तो ये पौधे आप इनडोर हाउस प्लांट के रूप में ज़रूर लगाएँ। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कम धूप आती है या फिर आप ऐसे फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं जो बहुत ही मिनिमम लाइट में अच्छी फ्लावरिंग दे सके, तो ऐसे में आप पीस लिली प्लांट को ज़रूर अपने इंडोर हाउस प्लांट के रूप में शामिल करें। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग और काफ़ी लकी प्लांट होते हैं और इनके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इनके फूलों को ग्रो करने के लिए आपको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ये लो लाइट एरिया में बड़ी खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहेंगे। तो ये प्लांट भी आप अपने इंडोर हाउस प्लांट के रूप में शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वो है बोट लिली का प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी छोटी छोटी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। नर्सरी में ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाते हैं और ये पौधे भी आप मॉर्निंग की धूप जहाँ पर आती है वहाँ पर रख कर इनको ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। इसमें एक और वेरीगेटेड वेराइटी भी आती है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। छोटे छोटे पॉट में लगाएं या हैंगिंग बास्केट में लगाएं, ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाले बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। फ्रेंड्स, गोल्डन अरेलिया प्लांट भी आप अपने हाउस प्लांट के रूप में शामिल कर सकते हैं, जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आती है या फिर ब्राइट लाइट आती है, तो ऐसे में ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहेंगे। 100-150 रुपये तक ये पौधा हर एक नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा, जो काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करता है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, विंटर में ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। कटिंग से भी ये पौधे आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं, तो ये पौधे ज़रूर शामिल करें अपने इनडोर प्लांट के रूप में। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रॉन बिरकिन प्लांट, और ये थोड़े पौधे कॉस्टली ज़रूर होते हैं बट ये मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, एक बार अगर आप इन्हें इनडोर प्लांट के रूप में शामिल करेंगे तो ये पौधे महंगे होने के साथ साथ सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। जिनको कटिंग से ग्रो करके या फिर रूट रीजन से इनके पौधे अलग करके आप बहुत से फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रॉन प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और काफ़ी हार्डी ये प्लांट होता है फ्रेंड्स। तो ये पौधे भी आप छाया वाली जगह पर रख सकते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट आ जाए तो ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। एंड नेक्स्ट जो पौधा आप इनडोर हाउस प्लांट के रूप में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं वो है एरो रूट का प्लांट, और ये पौधा भी हमारा सिंगोनियम प्लांट की तरह खूब मल्टीप्लाई होता रहता है। लो लाइट एरिया में ये पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं, जिनको कटिंग से या फिर इनको सेपरेट करके इनके बहुत से फ्री के प्लांट्स भी टाइम टू टाइम आप बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे खूबसूरत कलरफुल इंडोर प्लांट्स के नेम शेयर करे हैं जिन्हें आप लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं, कम जगह में या फिर छाया वाली जगह में। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सालों साल पौधे आपके गार्डन में बने रहेंगे। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।